जो जिस तरह का माहौल सारे देश में है, चंडीगढ़ में भी एक हम लोग 1% रिप्रेजेंट करते हैं पूरे देश को, तो हमारा भी माहौल एक तरह से वैसा ही। और मैं देखता हूं कि चंडीगढ़ में भी बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल वो बहुत हैं, लेकिन चंडीगढ़ के बुद्धिजीवी जो देश के बुद्धिजीवियों से वो थोड़े से अलग हैं। जो देश के जो बुद्धिजीवी हैं उनको माना जाता है कि वो बहुत बड़ी कलम लेकर बैठते हैं, बहुत लेखनी में काम करते हैं, और ज्यादातर वो जो कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ वो जुड़े रहते हैं। वो जो बड़े बड़े नाम वाले लोग जो आर्टिकल लिखते थे, आज जनता उनसे रुष्ट होना शुरू हो गई, जनता ही उनके खिलाफ हो गई, क्योंकि उनकी बात के अंदर कन्विक्शन कम हो गई, एक पर्सनल व्यू जो है वो ज्यादा हो गया मसलन, और वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को ऐसे में कटघरे में खड़ा करते। आम जनता कई बार उनकी बातों को सुन भी लेती है। अभी ये सवाल खड़ा करना शुरू किया ऐसे बुद्धिजीवियों ने कि भाई वहां पे बम गिरा दिया, चलो यहां तक तो ठीक है, हमें बताओ कि जी बंदे कितने मरे। और मैं देखा कि ये सवाल जब अखबारों में पढ़ते हैं या टीवी पे देखते हैं, कुछ ऐसे लोग बोल रहे होते हैं, तो दिल करता है कई बार टीवी तोड़ दो, लेकिन नुकसान तो फिर अपना ही होएगा। तो ये चीज क्यों होती है? क्योंकि ये लोगों ने मानसिक तौर पे मन बना लिया कि यार अब हमारी तो दाल नहीं गल रही है, तो दाल नहीं गल रही है तो इसका तरीका क्या निकाला जाए। इसका तरीका यही निकाला जाए कि इस पे सवालिया निशान डाल दो। एक कांग्रेस के एक नेता ने ऐसी जो उसके ऊपर कहा कि जी ये जो पुलवामा और जो ये अपना ये पाकिस्तान और इंडिया का बीच में एक फिक्स्ड मैच था, ये जो सारा घटनाक्रम हुआ। अब वो उस नेता की वो जो स्टोरी लेके पाकिस्तान का मीडिया उसको सुबेरे शाम दिखा रहा है, ये देखो जी हिंदुस्तान के नेता ये बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई हमारे देश में इस बार, ऐसे नेताओं की जो खोखलापन था अंदर से वो बाहर आ गया।